नमस्कार आदाब स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूँ आपके साथ समीना। हम हैं इस बार लखनऊ की सरजमी पर। जहाँ पर चिकनकारी का काम बेहद मशहूर है, चिकनकारी इससे बने कपड़े पहनकर हमारी शख्सियत में एक एलिगेंट लुक आ जाता है। लेकिन जो मजदूर कारीगर इसमें लगे हुए हैं उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। उनकी हार्ड तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें मिलता है मुट्ठी भर मुआवजा, लेकिन जो इसे बनवा कर बाहर दुकानों पर बेचते हैं वो करोड़ों में खेलते हैं। तो आइए चलते हैं इनके साथ इस एक सफ़र पर और जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि चिकनकारी से जुड़े इन मज़दूरों की हालत दरअसल इतनी बुरी क्यों है। राज्यसभा टीवी की जानिब इस बार हम हैं लखनऊ में, लखनऊ जहां की फिजा में तहजीब का रंग दिखाई पड़ता है। लेकिन अपने इस सफर में ये भी पता लगा कि वक्त के साथ लखनऊ भी बदला है। पूरे देश में इस शहर में सबसे उम्दा कारीगर मिलते हैं और यहां की चिकनकारी का काम पूरी दुनिया में मशहूर है। चिकनकारी भारत में की जाने वाली बेहतरीन और महीन कशीदाकारी की एक किस्म है, जो आमतौर पर सादे मलमल पर सफेद सूती धागे से की जाती है। अपने सफर में लखनऊ और लखनऊ के आसपास सटे गांवों में चिकनकारी की कहानी और इससे जुड़ी जिंदगियों और कलाकारों के बारे में जानने का तजर्बा बड़ा दिलचस्प रहा। लखनऊ के दूरदराज के इलाकों में हम और हमारी टीम इन कारीगरों के हुनर को देखकर हैरान थी और मुआवजे के नाम पर मिलने वाले चंद रुपए के मेहनताने को लेकर हैरतजदा और दुखी भी थी। काम इतना ज़्यादा है कि बन नहीं पाता, पैसे इतने कम। हम लोग कम से कम 10-15 साल से ये काम कर रहे हैं। बस पहले तो 500 थे, 300 थे, लेकिन अब पैसे बढ़े फिर भी इतने में इस पैसे में कुछ नहीं होता है। आजकल इतनी महंगाई तो रोज पे रोज बढ़ती जा रही है। लेकिन यही पैसे जो से मतलब कढ़ाई के मिलते हैं ये तो वही 1500, अगर एक बार बढ़ गया तो 2-3 साल की छुट्टी। भाई लखनऊ में एक ही बिजनेस है, सिर्फ चिकन। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे लखनऊ में हम लोगों को बिजनेस दे। पूरा अब कोई बिजनेस ना होने चक्कर हम लोग इसी में लगे हैं। कंप्यूटर आने से हमारे जितने भी कारीगर हैं सब परेशान हैं, हराते हैं, मतलब ये समझ लीजिए सबकी रोजी रोटी जा रही है और अब धीरे धीरे लोग भाग रहे हैं। देखा जाए तो चिकनकारी का इतिहास 200 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ चिकनकारी कशीदाकारी का केंद्र रहा और इसकी भव्यता और इसकी नजाकत एक कौशल है जो 200 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। चिकनकारी चूंकि शुरू से असंगठित क्षेत्र तक सीमित रहा, इसलिए इसमें शुरू से ही शोषण की गुंजाइश बनी रही। लेकिन बावजूद इसके ये कला खत्म नहीं हुई। ईरान के बॉर्डर्स हैं, यहाँ के ऊपर झीलें बहुत हैं और वहाँ स्वान्स मुर्गाबियाँ जिनकी बड़ी लंबी गर्दनें होती हैं, तो ये नेचर से टाके का कंसेप्ट आया। और चूंकि रशिया में सोजन दोजी यानी सोजन सुई को कहते हैं और दोजी काम को कहते हैं, इसीलिए वहाँ की सोजनी बड़ी मशहूर है। तो ये नेचर से इन्होंने टाके का कंसेप्ट लिया कि जो सवन हैं वो अगर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो उनकी गर्दन की पोजिशनिंग क्या है। और ये जो लफ्ज़ है चिकन, इसका ओरिजिन है टर्किश वर्ड चिख। चिख यानि जाली, यानि परफोरेशन, जिससे रोशनी और हवा का गुजर हो सके। कहते हैं चिकन की ये विधा, ये कशीदाकारी मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के दौर में भारत आई और काफ़ी परवान चढ़ी। तो चिकन का टाका जो जाली का है ये भी एक बहुत ही अहम है, और ये सेंट्रल एशिया से होता हुआ ईरान पहुँचा। वहाँ इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ, वहाँ से नूरजहाँ के ज़माने में, जहांगीर के ज़माने में ये हिंदुस्तान आया और दिल्ली से ये मुर्शिदाबाद पहुँचा
मुर्शिदाबाद से ढाका आया, चूँकि मलमल ढाके की बहुत ही नायाब और नादिर होती थी, वहाँ से फिर रिट्रीव करता हुआ ये मुर्शिदाबाद दिल्ली से फिर अवध आया। कहते हैं कि नूरजहां की एक कनीज अवध में आ बसी और उन्होंने ये कारीगरी चंद औरतों को सिखा दी। कढ़ाई नाजुक थी, देखने में हसीन थी, जो देखता सीखने बैठ जाता, और कल का ये शौक आज हजारों औरतों की रोजी रोटी है। ये आंकड़ा सिर्फ लखनऊ शहर का नहीं है, बल्कि लखनऊ के आसपास के 50 गांवों में यही काम होता है। लखनऊ और लखनऊ के अतराफ में चिकन ट्रेड से तकरीबन 3 लाख के ऊपर लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो कारीगर हों या और दूसरे उसमें, जैसे कि उसकी प्रिंटिंग होती, छपाई होती है, धुलाई होती है और इस तरह के जो प्रोसेसेस होती हैं चिकन की, वहाँ पर उन लोगों को देखिए वो लोग फाइनेंशियली बहुत ही वीक हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए कि उनको जितना भी मैक्सिमम उनको लेबर हम लोग दे सकें, क्योंकि आमतौर के ऊपर बहुत ही उन लोगों को कम पैसा जो है मिलता है। लखनऊ का चौक बाजार चिकन के काम के लिए बेहद मशहूर है। यहाँ पर सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा चिकन का काम मौजूद है और यहाँ पर होलसेल का काम भी बड़े जोर शोर से चलता है। लखनऊ में चौक की दुकानें चिकन के कामों के कपड़ों से अटी पड़ी हैं। रुमाल, कुर्ता, साड़ी, फ्रॉक, टी सेट, चादरे, नैपकिन, टोपी वगैरह, उन चीजों को खरीदते हुए हमारे दिमाग में कभी उन कारीगरों की छवि तो उभरती ही नहीं कि किस तरह से वो रह रहे होंगे। पुराना हैदरगंज, मौलवीगंज, दौलतगंज, कश्मीरी मोहल्ला, ठाकुरगंज, शीश महल, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये कारीगर रहते हैं, या यूं कहें ये दस्तकार रहते हैं। ये इनके मोहल्ले हैं जहां पर गरीबी का आलम है। लेकिन ये सूरत आपको चिकन व्यापारियों के मोहल्लों में नजर नहीं आएगी। यहां सब कुछ शानदार है, क्योंकि हर साल करोड़ों का माल ये विदेशों में निर्यात करते हैं, लाखों का माल देश में बेचते हैं। इस दस्तकारी में औरतों का प्रतिशत ज्यादा है। सिर्फ कुर्ते की सिलाई, कढ़ाई, डिजाइन के छापे का काम मर्दों का है। हमारे यहाँ लड़कियां हैं, किसी की 3 लड़कियां हैं, किसी की 4 लड़कियां हैं। अब ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पढ़ाई, पैसा इतना है नहीं, गरीब लोग हैं, पढ़ाते लिखाते हैं नहीं। 10-12 साल की लड़की हुई और इस काम में बैठा दिया, जब से लेके जब तक वो 17-18 साल की होती होती हैं, जब से उनको जहेज इकट्ठा करना पड़ता है, उनके घर के काम काज संभालने पड़ते हैं, और हम लोग जो काम 10 रुपये में बनाते हैं वो बाहर जाके 10-10 लाख में बिकता है, तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता इसका। हम ये चाहते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े लोग बीच में हैं, जो हम लोगों से इतना इतना सस्ता खरीद के बाहर जाके इतना महंगा महंगा बेचते हैं, वो गैप ख़त्म हो, ताकि हम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकते हैं। हम लोगों की हालत समझ लीजिए इसमें बस से बदतर है। हम लोग इतने अच्छे कारीगर होते हुए, हुनरमंद होते हुए, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। और ये चिकनकारी जो है, ये चिकनकारी नहीं है सिर्फ, ये हमारी जान है और ये लखनऊ की शान है, और इस शान को हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। ज़रा सोचिए, आप और हम जो ख़रीदते हैं उसमें पैसे का एक बड़ा अंतर नज़र आता है। अपने सफ़र में हमने ये जाना कि जिन पैसों में ये कपड़े बनकर तैयार होते हैं और ये जब दुकानों पर लगते हैं, इनके रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। एक बहुत बड़ा मुनाफा व्यापारियों की जेब में जाता है। कारीगरों को हक मिले, हम लोगों का हक हम लोगों को मिले, इस तरह से काम वो लोग करवाएं। अब उन लोगों को तो वो लोग करोड़ों में खेलते हैं, हम लोग खुद स्लिप अपने हाथ से हम लोगों ने बनाई है और चिपकाई है कि हम लोगों को कितने में, अगर जो 500 रुपये पीस जो पीस तैयार हो रहा है वो जाके वहाँ 50,000 पे लग रहा है। अब मैम यही है, जैसे 300 रुपये का अगर कपड़ा हुआ उसका, और ले दे के 100 रुपये की जो है इसकी छपाई और धागा हो गया, और उन्हें बनवाया उसको 200 रुपये में, टोटल 600 रुपये हुआ, और वो जाके उसको 6,000 में बेचते हैं, तो इतना फ़र्क है, नहीं सोच लीजिए। कारीगरी के ये अद्भुत नमूने दिल को बाग बाग कर देते हैं। गर्मी की शाम हो, कलफ किया कुर्ता, हल्के रंग की साड़ी हो, या हो मलमल की कुर्ती पर जालीदार कढ़ाई, लखनऊ की अपनी पहचान है। कपड़े पर चिकन का काम आसान नहीं है।
लखनऊ की गलियां सुनाती हैं इसकी कहानी। चिकन की मांग आम से लेकर खास में आज भी बनी हुई है और तो और अब ये फैशन का एक अहम हिस्सा है। डिजाइनर इसकी पोशाकें बनवाना पसंद करते हैं, फिर चाहे ऐश्वर्या राय के लिए कोई पोशाक हो या मिलान या मेलबोर्न के किसी फैशन वीक के लिए एक शानदार सा फैशन वीक हो। चिकन के काम में धुलाई भी एक काफी अहम रोल है। यह धोबी घाट, यहाँ पर बहुत सारे चिकन के कपड़े धोए जाते हैं और इसके बाद ये दुकानों पर भेजे जाते हैं। इसी तरह रंगरेज का काम भी बहुत अहम है। चिकन के कपड़ों पर रंग जो चढ़ाए जाते हैं, इस रंगरेज की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी हालत में ये रंग मध्यम ना पड़े, फेंके ना पड़े। गोमती के किनारे पर अपने इस मुख्तसर से सफर में चिकनकारी से जुड़े कामों को समझने का मौका मिला। गोमती का किनारा भी ऐसा ही किनारा है जहाँ पर रंग और कढ़ाई के बाद धुलाई और सूखने का काम किया जाता है। इसके बाद इन कपड़ों को लादकर वर्कशॉप ले जाया जाता है जहाँ इनकी बेहतरीन पैकिंग कर इन्हें देश के साथ विदेशों में भेजा जाता है। कभी लखनऊ में चौक में सिर्फ ये दुकानें थीं, अब पूरे लखनऊ में इस तरह की हजारों दुकानें हैं। इसका मतलब साफ है कि इस काम को बहुत ज्यादा लोग अब पसंद कर रहे हैं। खपत अच्छी खासी है, बाजार में एक से बढ़कर एक काम दिखाई देता है। वहीं अगर इन मजदूरों की हालत पर गौर किया जाए तो इनकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। क्या वजह है, क्यों इनकी हालत इस कदर खराब है? मतलब यही रहता है कि जैसे अब उन्होंने दिया हमें काम बनवाने के लिए, एक वर्क दे दिया हमने अपनी पूरी साड़ी, पर उन्होंने कहा 10,000 की है। हमने सोचा बन जाएगी, कारीगरों को लगवा दिया हमने, उस पर 12,000 का निकल रहा, 13,000 का काम निकल रहा, अब वो हमें 10,000 दे रहे हैं, तो ये 3,000 हमको भरने पड़ते हैं। कारीगर को हमने जिस हिसाब से बनवाया उसको हमको देने ही देना है, तो बस फिर इसमें हमारा नुकसान है। फिर इसी में धीरे धीरे कम होता रहा, सोचते रहे इस बार हो जाएगा, चलिए इस बार कराते हैं, इस बार हो जाएगा, लेकिन डाउन होती रही, इसमें नुकसान ही होता रहा, मुश्किल में आते रहे, कर्जा भी होता रहा, यही है कि इसलिए बंद कराना पड़ा, फिर और क्या है। देखा जाए तो लखनऊ के आसपास के सटे इलाकों में ये औरतें काम कर रही हैं। हाड़ तोड़ मजदूरी के बाद भी इनकी जेब में बहुत कम पैसे आते हैं। देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा काम ये औरतें करती हैं, लेकिन मुनाफा जो है वो व्यापारियों की जेब में जाता है। लेकिन इन सब के बीच इस नायाब दस्तकारी से जुड़े कारीगर अपनी स्थिति को लेकर मुतमईन नहीं है। चिकनकारी के काम में लगे कारीगर तेजी से धंधा छोड़ रहे हैं। इस वजह से लखनऊ, हरदोई और अवध के कई जिलों में चिकन कारखाने वीरान पड़े हैं। एक गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उसमें रजिस्टर्ड कारीगर एक दिन में 35 रुपए ही पाते हैं। लखनऊ और उसके आसपास के कई इलाकों में काम करने वाले इन्हीं कारीगरों को एक दिन में 20 रुपए या इससे भी कम पैसे मिलते हैं। वहीं कई लोग महाना तनख्वाह पर भी हैं, इन्हें अपने यहाँ नौकरी भी देते हैं। यहाँ 1200 से 3500 रुपए काम की बारीकी के हिसाब से तय होते हैं। देखा जाए तो देसी बाजार तकरीबन 350 करोड़ रुपए का है। वैश्विक मंदी के बावजूद पिछले साल इसका निर्यात 70 करोड़ रुपए आका गया था और अगर विदेशी बाजार की हालत अच्छी हो तो केवल लखनऊ से 100 करोड़ रुपए के चिकन उत्पाद पाकिस्तान, खाड़ी देश, यूरोप और अमेरिका में पहुंच जाते हैं। लेकिन मजदूरों की कमी इन्हें खलने लगी है। बहुत सी वजहों में एक बड़ी वजह मनरेगा भी है। वहाँ की मजदूरी यहाँ की मजदूरी से ज्यादा है। जो वहाँ चले जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं। ये जैसे ये जो नरेगा वाला काम आया है, इसमें सब औरतें भी आदमी तो जा ही रहे, मतलब उन लोग जो करवा रहे थे उन लोगों ने भी छोड़ दिया, औरतें भी जा रही हैं। तो उसमें यही है कि 35 रुपए 30 रुपए में काम कौन करेगा। 25 रुपए से शुरुआत हुई थी, 25 रुपए रोज के और सुबह 8 से शाम 5 तक। लेकिन चिकनकारी के इस काम से जुड़े बहुत से लोगों ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने इस काम से जुड़ी औरतों को एक इज्जत का मकाम दिलाने की भरपूर कोशिश की है। हम लोगों का थोड़ा सा रैपो जो हमारे कारीगर हैं उनसे एक अच्छा है, एक घरेलू रैपो जो है वो हम लोगों का है, क्योंकि उन लोगों के जो भी दुख सुख होते हैं, दुख दर्द होते हैं तो उसमें हम लोग शामिल होते हैं। किसी अगर शादी ब्याह है, उनको कोई मदद चाहिए है, तो वो हम लोग जहाँ तक हम लोगों की कोशिश होती है, हम लोग जितना कर सकते हैं वो करते हैं। किसी की तबीयत ख़राब है या कुछ है,
वो सब चीज़ें हम लोग करते हैं। उसके अलावा उनको मोटिवेट करते हैं कि एक तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें, क्योंकि अगर एजुकेशन है तो वो इस काम को और निखार सकते हैं। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए लखनऊ से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अब ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं चिकनकारी पर लखनऊ से हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, ऐ शहरे लखनऊ। वहीं चिकन के काम को लेकर एक नई सोच और युवा पीढ़ी में इस काम को लेकर आगे बढ़ाने को लेकर बहुत सी महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया है। वो बहुत सी लड़कियों को तैयार कर रही हैं, उनकी सोच बहुत कुछ अलग है और वो चाहती हैं कि चिकनकारी का ये फ़न कभी ना ख़त्म हो, जो हमारा ट्रेडिशन था वो किसी तरह से भी ना गुम हो जाए। क्योंकि आजकल ये जो चमक दमक आ गई है, मुझे लगता है समाउ हमारी साइकी पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। जो एक शाइस्तगी लखनऊ के माहौल में थी वो ख़त्म होती जा रही है, और जब उनको वो दिखेगा ही नहीं, उनको लाल पीला नीला हरा ही दिखेगा तो फिर वो वही पहनेंगे। तो हमारा तो यही है कि भाई ट्रेडिशनल टाके, ट्रेडिशनल ब्लॉक्स और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी। वहीं बहुत से लोग आज भी अपने बुजुर्गों की कई सौ साल पुरानी विरासत को सहेज कर हम तक पहुँचाने का काम कर रही हैं, और ये काम है छापे का। चिकनकारी में इसका अपना ही महत्व है। मोहम्मद अली से हमारी मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही। चिकनकारी के काम में छापे का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि कपड़े पर छपाई के बाद ही ये कढ़ाई के लिए कारीगरों के पास भेजा जाता है। 7 साल की उम्र से अपने बुजुर्गों की विरासत को मोहम्मद अली बड़े सलीके से आगे ले जा रहे हैं, और उनके पास कई सौ साल पुराने छापे भी हैं, जो आज की तारीख में प्राचीन छापों यानी एंटीक की श्रेणी में आते हैं, और ये काफी बहुमूल्य छापे हैं। ये हम लोग तो जो है 6-7 साल की उम्र से ही काम कर रहे हैं, और इसके सीखने की उम्र भी जो है 6-7 साल से ही है, और स्कूल भी जाते थे और ये भी काम करते थे। ये कम से कम जो है 100 साल से ज़्यादा ही है। हाँ, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं वो बताइए। इसमें कम से कम जो है 32 स्टिच हैं, जितनी भी चिकन की कढ़ाइयाँ हैं सब इसमें बन सकती हैं, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ये है करीब 60-70 साल पुराना तो है ये। लखनऊ में ऐसे बहुत से कारीगर हैं जिन्होंने चिकनकारी के क्षेत्र में बड़ा ही उम्दा काम किया और देश विदेश में अवार्ड्स भी हासिल किए। उन्हीं में से एक हैं नसीम बानो। तो चलते हैं उनके पास और जानने की कोशिश करते हैं कि इस काम से उन्हें क्या कुछ खुशियां मिली और आज वो किन दुखों में घिरी हुई है। लखनऊ की तंग गलियां और इसमें उन्हें ढूंढना खासा मुश्किल काम रहा, जिनकी पूरा परिवार नेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुका है और जिन्हें अनोखी चिकन में महारत हासिल है। नसीम बानो और उनके घर की हालत और उनकी जिंदगी हम सब के सामने थी। अपनी इस तंग हालत में भी वो थकी या हारी नहीं है, बल्कि राज्य सरकार से चाहती है छोटी सी जगह और एक मुनासिब मेहनताना, और उसकी इवज में वो 65 टाकों वाली अनोखी चिकन कुछ कारीगरों को सिखाना चाहती है, ताकि ये कला खत्म ना हो, जिंदा रहे। चिकन कला की ये खासियत है कि जैसे जो हमारे फादर की ही पर्सनल कला है, ये उन्होंने खुद ईजाद करी थी, तो ये उसको अनोखी चिकन बोलते थे। चिकन को तो दुनिया में सभी जानते हैं, फेमस है पूरे उत्तर प्रदेश की चिकन। ये अनोखी चिकन का मतलब ये कि चिकन में आपने कोई भी कढ़ाई देखी, उसके नीचे कपड़े के नीचे टाके ज़रूर होते हैं,
पर जो हमारे फादर ने अनोखी चिकन का ईजाद किया था तो वो कपड़े के ऊपर ही ऊपर कढ़ाई और वही सुई धागे से पूरे डिज़ाइन चिकन के ही है, लेकिन कपड़े के ऊपर ऊपर कढ़ाई की है बहुत बारीक टाँकों से और नीचे बिल्कुल कोई टाँका नहीं है, प्लेन कपड़ा। थोड़ी मुश्किलों का ये सामना हम लोगों को आज करना पड़ा। जैसे हम लोगों ने अपने फादर से ये कला सीखी, हमारे पापा ने हमारे सभी बहनों को भाइयों को ये कला सिखाई, तो हमारी सबसे बड़ी सिस्टर को पहले नेशनल अवार्ड, उनको नेशनल अवार्ड मिला मेरे पापा के बाद, फिर हमारी तीसरी बहन को मिला, दूसरी बहन को पहले अख्तर जहाँ बेगम को मिला, फिर रिहाना बेगम को मिला और 1990 में हमको मिला। हकीकत भी ये है कि नेशनल अवार्ड मिलने के बाद हम लोगों को गवर्नमेंट से कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि जिससे हम अपना कारोबार अच्छा कर सकें या बाहर फैला सकें या बाहर निकल सकें। हमें 2-3 साल बाद एक बैच देते हैं सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए 6 महीने को, और कुल 10 लड़कियां देते हैं, तो वो भी समझ लिए 1,000-2,000 रुपये लड़कियों का स्टाइपिंग है, तो लड़कियां आज लालच में आ जाती हैं, फिर वो घर बैठ जाती हैं। और फिर हम लोग लिए भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कुछ हमें नहीं देती, बस उस पर हमें तनख्वाह वो देते हैं, बस 6 महीने के बाद ख़त्म। फिर 2-3 साल हम खाली रहते हैं, कुछ हमारे पास काम नहीं। अब हम अपना काम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हमें पैसे की खास प्रॉब्लम है। वहीं राज्य सरकार अब अपनी इस बहुमूल्य चिकनकारी का मोल समझने लग गई है और इनके लिए कुछ सार्थक कदम उठाने की भी कोशिश कर रही है। इस एक पहल से बेशक इन चिकन से जुड़े मजदूरों की जिंदगी और इनके हालात में कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है। उत्तर प्रदेश अपनी अलग अलग कलात्मक चीजों के लिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमा चुका है। लखनऊ की चिकनकारी की मांग तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार ऐसे हस्तकला उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू से कोशिशें कर रही है। इसके लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम भी चलाए हैं। राजकीय चिकन उत्पादन केंद्र योजना, ये योजना राज्य में वर्ष 1974 से शुरू की गई है, जिसका मकसद चिकन उद्योग में काम करने वाले कारीगरों की परेशानियों को दूर करना और उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाना था। इसके तहत सरकार ने राजकीय चिकन उत्पादन केंद्र लखनऊ की स्थापना की और इस योजना की खास बातें इस तरह रही। कारीगरों को बिचौलियों से आजादी दिलाने और उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए चिकन केंद्र द्वारा कपड़ा, कढ़ाई के लिए धागा और टूल्स मुहैया कराना, नए डिजाइनों के नमूने केंद्रीय प्रारंचना केंद्र लखनऊ द्वारा कराए जाते हैं। चिकन कारीगरों को केंद्र तथा घरों पर कच्चा माल देकर तैयार माल की बिक्री का इंतजाम करना, हस्तशिल्प और अन्य प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर चिकनकारी से जुड़े कारीगरों की चीजों का प्रचार करना। बेशक चिकनकारी और इससे जुड़े कलाकार नायाब हैं और इस काम में लाखों की तादाद में कारीगर जुड़े हैं। ये कला जिंदा रहे, इससे जुड़े कारीगरों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा और सहूलतें मिलती रहें तो ये जिंदा रहेगा, वरना धीरे धीरे इसका भी दम घुटता चला जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये किस्से कहानियों तक महदूद हो जाएगा। लेकिन इस जद्दोजहद के बाद एक काम अच्छा हुआ, चिकन को पेटेंट कर लिए जाने से इन कारीगरों का डर बहुत हद तक खत्म हुआ है। परंपरागत और सबसे पुरानी कला को जीवंत रखने के लिए लखनऊ के कारीगरों की चिकन कला को अब GI एक्ट के तहत लोक कला मानते हुए पेटेंट कर दिया गया है। अब पेटेंट के बाद इसका सीधा लाभ इन कारीगरों को मिलेगा। इस कला से जुड़े कारीगरों की आर्थिक और व्यवसायिक हितों की रक्षा होगी, जिससे वे बिचौलियों से भी बच सकेंगे। लेकिन इस सुबह का आगाज कब और किस तरह होगा यह भी कहना मुमकिन नहीं। चिकनकारी है पहचान लखनऊ की और मिसाल है तहजीब की, तो अब जब भी इसे आप पहने ये जरूर याद रखें कि इसमें लगा है हजारों हजार कारीगरों का अरमान और खून पसीना। जवां जवां हंसी हंसी लखनऊ की ये सरजमी है। तो राज्यसभा टीवी की टीम के साथ लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके से मैं समीना आपसे ले रही हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार, आदाब।